हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं TYBCOM का क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। करते हैं टॉपिक जिसका नाम है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। वो टॉपिक मैंने कहा था वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है, मजा आएगा। कुछ है नहीं, फॉर्मेट देखोगे तो बस इतना सा फॉर्मेट है। 7-8 मार्क का सम, नसीब अच्छा तो 15 मार्क का दो सम, 5-5 मार्क या तो 7 और 8 मार्क का दो सम का कॉम्बिनेशन। इसके बाहर का कुछ भी नहीं है, इतना ही फॉर्मेट है। और जो जगह छोड़ा है इसके अंदर एक दो चीज ऐड होगी या लेस होगी और कुछ नहीं आएगा। इम्पोर्टेंट है वर्किंग समझना, वर्किंग समझ या खाली अमाउंट भरने का है। चलो सेल फिक्स के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इजी में टॉपिक अगर कुछ है तो यही है, तो डोंट कीप इन दिस ऑप्शन। ऑलरेडी इसकी वीडियो है, मैंने TYB आपको ऑलरेडी ये पढ़ाया है सेमेस्टर 5 में, बट आपको यही टॉपिक सेमेस्टर 6 में है TYBCOM के अंदर। ठीक है, क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं अंडरराइटर्स ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। पहले तो मतलब समझते है क्या। ठीक है, एक दिन ऐसे घर पे बैठा था मैं, तो डैडी बोल रहे मेरे को, बेटा ये सामान बेच दे। मेला क्यों? मतलब बहुत पुराना हो गया। कौन सा मतलब, क्या खरीदने के लिए बैठी है? रुक ना, मतलब ये सामान जो पड़ा है ये बेच दे। मेला नहीं डैडी, रहने दो ना, कोई नहीं लेगा। अरे बेच लेने वाले रहेंगे, जिनको पुराना सामान खरीदने का शौक रहता है ना वो खरीदेगा। मेला अच्छा ठीक है। मैंने बहुत लोगों को पूछा, ए वो टेप रिकॉर्डर है हमारे पास, अभी उसका कैसेट आता नहीं है लेकिन बहुत अच्छा चलता है, नहीं चाहिए सर। इसको बोला ऐसे, दुनिया भर सबको बोला, कोई खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। ठीक है, अब डैडी को भी मैंने बहुत बहुत बोला, रिक्वेस्ट नहीं, कोई नहीं खरीदेगा, बेच तू कैसे भी कर बेच। तो मैंने ऑनलाइन सर्च मारा, क्या एनी वन इंटरेस्टेड टू परचेज ओल्ड टेप रिकॉर्डर। तो मुझे एक मैसेज आता है, सर आपने कुछ ऐड के बारे में डाला है इंफॉर्मेशन, आई वांट टू परचेज दैट। मतलब आपको खरीदने का है? हाँ मेरे को खरीदने का है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं खरीदने का है, किसी का रिक्वायरमेंट है, मैं एक मिडल मैन हूँ, एक एजेंट हूँ, आप मुझे भेज दो या फिर आप मुझे एज ए कमीशन दे दो, मैं आपका टेप रिकॉर्डर बेच के दे देता हूँ। मतलब ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। और बंदे से मिला, उसको मैंने बोला देख भाई टेप रिकॉर्डर है, ये टेप रिकॉर्डर कम से कम 5,000 में बिकना चाहिए। कितने में? 5,000 में बिकना चाहिए। वो बंदा बोला ठीक है मैं 5,000 में बेच के दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे इस पे क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। बोला ठीक है कमीशन दूंगा, लेकिन तू अब मेरा टेप रिकॉर्डर लेके भाग गया तो आई डोंट नो यू। बराबर है, मेरी गारंटी। एक काम करो, 2,000 रुपया एडवांस रखो, 2,000 रुपया एडवांस रखो, 3,000 का भरोसा कर सकते हो ना। मैं मन में सोचा पुराना है, गया भी तो 2,000 तो मिले ना, मैंने दे दिया, मैंने टेप रिकॉर्डर दे दिया। ये गया, टेप रिकॉर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। एक कस्टमर मेरे पास आया, बोला मुझे अमित ने भेजा है, बोल रहा था आपके पास टेप रिकॉर्डर पड़ा है, वो मुझे खरीदने गया। कितने बेचा? मिला 5,000। मैंने 5,000 में उसको टेप रिकॉर्डर दे दिया। बराबर, अमित ने मेरे को 2,000 दिया था, मैंने उसको 2,000 उसका वापस किया, उसका कमीशन उसको दे दिया। तो व्हाट वाज द रोल ऑफ अमित? अमित का रोल क्या था? Who was अमित? मिडलमैन? जो मेरा सामान बेचते दे रहा था? उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में शेयर्स के टर्म में कहते अंडरराइटर्स। क्या कहते? अंडरराइटर्स। समझ में आ गया? अंडरराइटर का काम क्या है? कंपनी का शेयर बेच के देना, कंपनी के शेयर्स बेच के देना, क्योंकि कंपनी शेयर्स बेच रही है, बिक ही नहीं रहा है। अंडरराइटर आता है, अरे सर मेरा दाएं हाथ का खेल है, मैं बेच के देता हूं। बराबर है, वो गया ऐसे लोगों को पकड़ा, जाइए कंपनी के शेयर्स खरीद प्रॉफिट होएगा, जाइए शेयर्स कंपनी खरीद प्रॉफिट होएगा। क्यों? क्योंकि उसको माल में उसको क्या मिलने वाला है? कमीशन। बराबर है, क्लियर हो गया, डन विद द टॉपिक। इतना ही काम है, टॉपिक समझ में आया कि क्या है, और कुछ भी नहीं करना है। समझना है कि भाई कंपनी को कितने शेयर्स बेचने गए, उसमें से उसने कितना गारंटी लिया हुआ है कि भाई आपको भरोसा नहीं, ये लो मार्क्ड एप्लीकेशन।
उसने एडवांस दे के रखा है, मतलब मार्क्ड एप्लीकेशन बच गया। जब टेस्ट खरीदने आएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब थोड़ा सा ये अकाउंटिंग टर्म आ गया है, बट जिस तरीके से स्टोरी को ये बताया उसको अपन अपने सम्स के अंदर इंक्लूड करेंगे तो टॉपिक कनेक्ट हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया क्या है अंडरराइटर का, बस चलिए ठीक है। तो अब जो हम लोग टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे हैं, कौन सा टेक्स्ट बुक रेफर करें भाई, मनन प्रकाश की टेक्स्ट बुक? नई टेक्स्ट बुक है, पुरानी है? पुरानी है क्या? 2018 की टेक्स्ट बुक रेफर कर रहा हूँ मैं। हाँ तो हम लोग टेक्स्ट बुक रेफर कर रहा हूँ मैं 2018 का, जिसमें पेज नंबर है 268, सम नंबर 8। मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक रेफर कर रहा हूँ, नए टेक्स्ट बुक में भी आपको सम्स मिल जाएगा, बाकी क्वेश्चन तो इधर डेस्कटॉप पे है ही तुम्हारे। क्वेश्चन में रीड करता हूँ, जरा चेक करना क्या दिया। आर लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार, जरा ध्यान देना। आर लिमिटेड को, मतलब एक आर कंपनी है, जिसको कितने शेयर्स बेचने हैं? 20,000 शेयर्स बेचने। कितने रुपए का एक शेयर है? 10 रुपए का है, बराबर है। एट पार, एट पार मतलब जितना उतने में बेचने का है, बात समझ में आया क्या? तो मेरी लाइबिलिटीज 20,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, मतलब टोटल कितना हो गया? 2,00,000 रुपए। मेरी लाइबिलिटीज कितने की है? 2,00,000। तो मैंने मेरे एजेंट यानी कि अंडरराइटर को बोला 2,00,000 रुपए के शेयर्स बेचने के, ठीक है, बात समझा। अंडरराइटर अंडररिटन एज फॉलो, मेरे पास 3 एजेंट आए, एजेंट ए, एजेंट बी, एजेंट सी। अब एजेंट वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्यों? तो हम इसे बोलेंगे ये अंडरराइटर है, तो इसको बोले अंडरराइटर ए, अंडरराइटर बी, अंडरराइटर सी। अंडरराइटर ए ने क्या बोला? 10,000 शेयर्स मैं बेच के देता हूँ। अंडरराइटर बी ने क्या बोला? 6,000 शेयर्स मैं बेच के देता हूँ। अंडरराइटर सी ने क्या बोला? 4,000 शेयर्स मैं बेच के देता हूँ। बात समझ में आ रहा है? बराबर है। मतलब 20,000 शेयर्स का बाइफर्केशन मिल गया, 10 + 6 = 16, 16 + 4 = 20,000। अरे लॉजिक क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब ए ने बोला है 10,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, नहीं बिकेगा मैं खरीदेगा, दे दो मेरे को शेयर्स। बी ने बोला 6,000 मैं बेच के देता हूँ, नहीं कोई खरीदेगा मैं खरीद लूंगा। सी ने बोला 4,000 शेयर्स मेरे को दो, मैं बेच के देता हूँ, कोई नहीं लेगा मैं खुद ले लेगा। तो सबसे पहला मुझे मिल जाता है ग्रॉस लाइबिलिटीज। अंडरराइटर ए, 3 अंडरराइटर है ना अपने, ठीक है, अंडरराइटर ए, अंडरराइटर बी, अंडरराइटर सी, और एक कॉलम बना देता हूं टोटल, ठीक है, स्पेस रखा है मैंने। कभी अंडरराइटर बढ़ गए तो, अगर बढ़ गए अंडरराइटर्स तो कम भी हो सकते हैं, 2 अंडरराइटर, 1 अंडरराइटर भी हो सकता है, मैंने एक्स्ट्रा कॉलम बना के रखा है, ठीक है, कोई गलत तो नहीं किया ना मैंने, धन्यवाद। तो बेसिस में यहाँ पे लिखता हूँ गिवन, ये जरूरी नहीं है बट बनाओगे तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो ए की ग्रॉस लाइबिलिटी कितने की है? बी की टोटल लाइबिलिटीज 20,000, ठीक है। ये लिखते ही आपको एक और चीज फाइंड करना है, जी एल आर, ये लिखते ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो, ये लिखते ही हम GLR फाइंड करेंगे, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो, दैट इज 10,000 = 6,000 = 4,000। हाँ, 10, 6 आणि 4 कळलं का तुला? 2 जा 3 जा 5 जा, दिस इज माय GLR, क्या है 2:5:3:2। सर ये क्यों निकाला, एक्सप्लेन करूंगा बाद में। ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो समझ में आ गया, हर सम में निकालना जरूरी है, हर सम में, ठीक है क्या? अब ग्रॉस लाइबिलिटी के बाद देखते क्वेश्चन में क्या दिया है। जी क्या दिया है क्वेश्चन में? आगे दिया है एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 18,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स बेचने गए थे बट एप्लीकेशन सिर्फ 18,000 का ही आया, मतलब 2,000 कम आया, मतलब 2,000 की लाइबिलिटीज के बारे में सोचना पड़ेगा। सर समझाने, मेरे पास 3 अंडरराइटर आए थे, उन्होंने बोला था सर आपके शेयर नहीं दिख रहे हमको, तो हम बेच के दे दे। ए ने बोला भाई 10,000, बी ने बोला भाई 6,000, सी ने बोला 4,000 बेच के देंगे। अब बेच के देंगे वो लोग, नहीं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली थी, ऐसा उन्होंने कहा है, बराबर है। अब इसके बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बारे में क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं है, आगे के सम्स में आएगा, इस सम में नहीं, आज बेसिक सम है, बेसिक नॉलेज ही लेंगे।
इन डेप्थ अभी नहीं जाना है क्योंकि जैसे जैसे सम बढ़ेगा वैसे थोड़ा सा नॉलेज अपन एक्सपांड करेंगे। बोल देना पहला निबाद देन प्रो तो नाउ निबाद हो गया आप लोग। पहला पहला सम समझ में आया तेरे को क्या? पहले जाओ से ध्यान दो। उसकी मम्मी वीडियो देखती है कुछ मत बोल। चल ध्यान दे 20,000 शेयर्स बेचना है और 18,000 का एप्लीकेशन आया। ठीक है भाई अच्छी बात है 18,000 का एप्लीकेशन आया विच ऑल्सो इंक्लूड मार्क्ड एप्लीकेशन एज फॉलो 4,000 2,000 एंड 10,000। एक छोटा सा वर्किंग बना दो कितने शेयर्स बेचने हैं मुझे 20,000 शेयर्स बेचने। एप्लीकेशन कितना मिला है 18,000। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना 18,000। क्लियर है कितने शेयर्स बेचने थे 20,000। एप्लीकेशन कितना आया 18,000। इन शॉर्ट मेरा बैलेंस कितना है फाइनल आंसर 2,000 आना चाहिए। मिल गया आंसर 20,000 शेयर्स बेचना था 18 बी का है तो 2,000 मेरा क्या है बैलेंस। जब मैं वर्किंग बनाऊंगा तो मुझे आंसर के अंदर बैलेंस 2,000 आना चाहिए। इफ नॉट मिस्टेक किया है। अब जो एप्लीकेशन रिसीव्ड होता है इसके दो पार्ट होते हैं। इसमें होता है सबर मार्क्ड एप्लीकेशन एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब जिसपे सिक्का लगा हुआ है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन जिसपे सिक्का नहीं लगा हुआ है। किसका सिक्का लगा किसका स्टैंप लगा हुआ है जो अंडर राइटर है उनके। अभी फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास है शेयर्स का सर्टिफिकेट खरीद के लेके गया, ये लेके गया, ऐसे तीन अंडर राइटर मेरे पास है शेयर सर्टिफिकेट लेके गए। बोले कि 10,000 शेयर मैं बेचूंगा, 6,000 में बेचूंगा, 4,000 में बेचू। तो अभी उसके पास कस्टमर आए तो कस्टमर बोला भाई मेरे को शेयर खरीदने, एक काम कर ये ले, ये कंपनी के पास जाओ, बोल तूने शेयर खरीद लिया। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। और जो बच गए वो अनमार्क्ड है, वो किसी लोकल को दे दिया या तो उसने मुझे वापस ला के दे दिया, मैंने किसी और को बेच दिया, उसे हम लोग क्या कहते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो 18,000 एप्लीकेशन के अंदर मार्क्ड एप्लीकेशन होगा। देखो शेयर्स विच ऑल्सो इंक्लूड मार्क्ड एप्लीकेशन, ए का कितना मार्क्ड एप्लीकेशन, बी का कितना और सी का कितना। तो यहां पे मार्क्ड एप्लीकेशन कितना आ रहा है, तो मार्क्ड एप्लीकेशन के अंदर ए बी सी, ए का मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है 4,000, बी का 2,000 और टोटल एप्लीकेशन कितना हो गया देखो 16,000। तो 16,000 मेरा मार्क्ड एप्लीकेशन है। 18 में से 16 मार्क्ड है तो अनमार्क कितना है 2,000। एंड दिस इज ऑलवेज डिवाइडेड इन जी एल आर। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कौन से रेशियो में बढ़ता है, जी एल आर ग्रॉस लाइबिलिटीज रेशियो जो आपने फाइंड किया है। बात समझा? तो हम इसको ए बी सी में जी एल आर यानी के 532 डिवाइड बाई 10 कर दोगे तो 200 आएगा, इधर होएगा 400 600 1,000। सही है? अरे बात समझा? सम इज कंप्लीटेड। हकाय सांगू परत जी एल आर काय सांगायचं आहे सांग ना। हे रेशो कळलं ग 532 काय डिवाइड करा 2,000 ला 2,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 10, 2,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 10, 2,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 10 रेशियो मध्ये काढलं। कळलं का? आता काय करायचं नाही, फक्त इथे लिहायचं आहे। बघा मार्क्ड एप्लीकेशन आला तुला, अरे ग्रॉस लायबिलिटी, नंतर काय येणार मार्क्ड एप्लीकेशन किती आहे 6,2 आणि तो भाई इधर गिवन में ए का कितना है 4,000, 2,000, 10,000, टोटल 16,000। हाँ जी माइनस करना है तो 10 में 4 माइनस करोगे बैलेंस आएगा 6,000, 4,000 बैलेंस आएगा नेगेटिव 6,000 और इधर बैलेंस आ जाएगा 4,000। बराबर है जी? बैलेंस का टोटल करके भी देखो सेम आएगा 6,000 4,000 10,000, 10 में से 6 गया तो 4,000 आया। ऐसे भी वर्किंग देखो, वर्किंग में टोटल कभी चेंज नहीं हो रहा है, परफेक्टली दिमाग में रखना है। अब अनमार्क्ड एप्लीकेशन 1,000 600 और 400 बराबर है। चलिए ठीक है,
यहाँ पे आ जाते अनमार्क्ड एप्लीकेशन में, यहाँ पे कितना है 1000, यहाँ पे 600, यहाँ पे 400, बराबर। ये सब माइनस ही करना है, माइनस वाले को माइनस में, तो इधर कितना आएगा 2000 माइनस में, चलिए माइनस करेंगे तो यू विल गेट बैलेंस। फट से जरा बैलेंस निकाल लो, तो यहाँ पे आएगा 5000, यहाँ पे आएगा 3400, 600 माइनस करना था ना, यहाँ पे आएगा 6400 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो देखो टोटल हो जाएगा ये 8400 और ये माइनस में है 6400, तो 2000 बैलेंस आएगा। कैलकुलेटर पे करके देखो, अरे समझा ये हाँ या नहीं? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेम्बर इज, कभी भी शेयर्स नेगेटिव नहीं हो सकता है, कभी भी शेयर्स नेगेटिव। भैया तो नेगेटिव में आंसर दे रहा है, तो जिसका भी नेगेटिव आंसर आएगा उसके शेयर्स को पॉजिटिव शेयर्स के साथ एडजस्ट करने का, जिसका भी नेगेटिव बैलेंस आएगा, जैसे इस केस में सी का नेगेटिव बैलेंस आया, तो हमको इसको किसके साथ एडजस्ट करने का, जिनका पॉजिटिव शेयर्स है, ए और बी दोनों का पॉजिटिव है ना, तो हम एडजस्ट करेंगे, यहां पे लिखेंगे लेस क्रेडिट ऑफ सी एडजस्टेड, कितना है 6400 नेगेटिव है ना, इसको एडजस्ट करना है ए और बी में, कौन से रेशो में, जीएलआर, और जीएलआर में ए का कितना है 5 और बी का कितना है, अरे समझा, तो 6400 इंटू 5/8, 6400 इंटू 3/8 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, 4000 आएगा यहाँ पे, और 4 1200 आएगा, 1200 सॉरी 2400 आएगा, बराबर माय मिस्टेक 2400 बराबर यहाँ पे आएगा 2400 भाई, ये तो एडजस्ट हो गया 6400, तो इसका वैल्यू हो गया निल, क्योंकि माइनस और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, और ये इसके अंदर माइनस हो जाएगा, इसका आएगा 1000, इसका भी आएगा 1000, यहाँ पे हो जाएगा 2000, यह हमेशा नील रहेगा, जब भी क्रेडिट एडजस्ट करोगे वो टोटल में नहीं आएगा। एंड दिस इज माय नेट लायबिलिटी डन विथ योर सम, इतना सा ही है ये सम, हर सम ऐसे ही सॉल्व होगा। आपको समझना क्या है, कितने शेयर्स बेचने, एप्लीकेशन कितना आया, मैंने बताया था आंसर कितना आना चाहिए, नेट लायबिलिटी 2000 आया, ए और बी कितने शेयर्स खरीदेंगे, 1000 शेयर्स खरीदना पड़ेगा उनको, समझ में आया? सर तो ये क्रेडिट क्यों एडजस्ट किया, सिंपल सा बात है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी 10000 बेच के देगा, बड़ी बात करके गया, लेकिन बिका कितना उससे, 5000 शेयर्स बिके, 5000 बैलेंस पड़ा उसके अकाउंट में, इसने बोला 6000 शेयर्स बिकूंगा, भाई 3400 अभी भी बाकी बेचने का, सी ने 4000 का प्रॉमिस किया था, इसने पहली बार में एप्लीकेशन ज्यादा दे दिया, तो हमने क्या किया, सी को बोला ठीक है तेरी ज्यादा एप्लीकेशन है, ए और बी से बात करता हूँ, उनके शेयर्स देता हूँ, तेरे नाम पे ट्रांसफर करता हूँ, उनकी भी बिक जाएंगे, उनकी भी लाइबिलिटीज कम हो जाएगी, तो उनकी लाइबिलिटीज कम हो गए, 1000 की हो गए, नहीं तो उनको कितने शेयर्स खरीदने पड़ते, 5000 और 3400। लॉजिक समझा, पक्का समझा है, 100% कंप्लीट कर, ओके स्टार्ट करते हैं सेकेंड सम, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 269, सम नंबर 9, कौन सा नाम है, अल्बर्ट लिमिटेड, चले ध्यान दे दे, अल्बर्ट लिमिटेड इशूड 50 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, कितने शेयर्स बेचने इनको, 50 लाख, कितने का है, 10 रुपए का, होल इशू वॉज अंडर रिटन बाय ए बी एंड सी एज फॉलो, मतलब पूरा का पूरा कौन बेचने वाला है, अंडर राइटर बेचने वाला है, जिसमें उसने बोला 15 लाख ए बेचेगा, 25 लाख बी बेचेगा और 10 लाख सी बेचेगा, हो गया क्या 50 लाख हो गया ना, चलिए ठीक है, एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 48,50,000, 50 लाख बेचना था, 48 लाख, 50,000 का ही एप्लीकेशन आया, मतलब कितना कम आया, 1.5 लाख, मेरा बैलेंस कितना आना चाहिए, 1.5 लाख, मिल गया आंसर, समझा हाँ या नहीं, 50 लाख बेचने थे, एप्लीकेशन सिर्फ 48,50,000 का आया, मतलब 1.5 लाख मेरा बैलेंस है, कैलकुलेशन इज डन, अब हमको उसको प्रेजेंट करने का, ठीक है, फिर ऑफ विच मार्क्ड एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है,
calculated the number of shares to be taken up by underwriter, unmarked application to be distributed amongst the underwriter in the ratio of gross liability. अच्छा बोल रहा अपने को, नहीं बोलता तो हम लोग क्या करते, तो भी सेम करते, समझ में आया क्या? वो नहीं बोलता तो भी हमारा काम वही था, समझ में आया? Unmarked application to be distributed in GLR. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर सम की तरफ जाएंगे. पहले मैं वर्किंग बना देता हूँ. कितने शेयर्स बेचने थे? 50 लाख शेयर्स बेचने थे. एप्लीकेशन कितना आया? 48,50,000. इसके अंदर दो पार्ट्स होते, तो अपना बैलेंस कितना आना चाहिए? दिस इज माय बैलेंस. एग्री? हाँ जी. इसमें होता है MA, UMA, मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन. अंडरराइटर तीन है, ए बी सी. ए का मार्क्ड एप्लीकेशन 15 लाख. मार्क्ड एप्लीकेशन बोल रहा हूँ मैं, ग्रॉस लायबिलिटीज नहीं. मैं कोई गाय नहीं. ए 12 लाख, 25 लाख और 8.5 लाख. ठीक है, यहाँ पे आ जाते. ए का है 12 लाख, सब अरे 12 लाख, 25 लाख, वेरी गुड, 8,50,000. अब टोटल करना पड़ेगा इसका, तो आपके पास कैलकुलेटर नाम का प्राणी? ओ माय गॉड, हेल, निकालो बेशर्मो, बैठे ऐसे ही. टोटल करो कितना? 45 लाख, 50,000. इसका मतलब मेरा मार्क्ड एप्लीकेशन है 45,50,000. 48 में 45, 50 तो बचा 3 लाख. ये मेरा अनमार्क्ड है. ए बी सी कौन से रेशियो में? जीएलआर. अब जीएलआर फाइंड करेंगे तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. हो गया सम, समझ में आ रहा है? ऑप्शन में रखने वाला टॉपिक जरा भी नहीं है, जरा भी ऑप्शन में नहीं रखने का है. दो तीन चार लेक्चर मैक्सिमम, 4 लेक्चर में हो जाएगा. टेक्स्ट बुक में देखोगे 10 लेक्चर लिखा है, 10 लेक्चर में टॉपिक को वाइंड अप करने का, बट 4 लेक्चर में अपन ज्यादा से ज्यादा सम वाइंड अप कर डालेंगे. क्या हुआ बेटा? इतना एप्लीकेशन आया है, इसके दो टाइप होते हैं, मार्क्ड अनमार्क्ड. तो मार्क्ड इतने हुए तो बैलेंस अनमार्क्ड हो जाएगा. अच्छा, थैंक यू. जीएलआर बताओ जरा, ए बी सी और टोटल. ए ने कितने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था? 15 लाख का रिस्पॉन्सिबिलिटी, 25 लाख की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबर अली, और इसने 10 लाख. टोटल हो गया 50 लाख बेचने थे, उसमें मार्क्ड एप्लीकेशन अपने पास आ गया 12 लाख, 25 लाख और 8,50,000. टोटल एप्लीकेशन हो गया 45,50,000. एग्री? चलिए बैलेंस निकाल लेंगे माइनस करके, तो इधर आ जाएगा 3 लाख, इधर हो जाएगा नील 1.5 लाख. टोटल हो गया 4.5 लाख. 4,50,000 आना चाहिए ना बैलेंस भी. चलिए अनमार्क्ड एप्लीकेशन जीएलआर में डिवाइड होगा, मतलब 3 लाख जीएलआर में डिवाइड करने के लिए जीएलआर रेशियो निकालना पड़ेगा. 15 लाख, 25 लाख, 10 लाख, सबके लाख कैंसिल हो गए. 5 का टेबल, 5 2 5 5 5 3 3 5 2, मतलब टोटल 10 हो गया. 10 से डिवाइड करोगे 3 लाख को तो 30,000 आएगा, 30,000 ही आएगा ना. 13 × 3 13 × 5 13 × 2, समझ में आ रहा है? यहाँ पे आ जाएगा 90 150 and 60. अर्जुन समझ रहा बेटा? पक्का ना? आपको भी बी फ्रैंक, ये मत सोचो रिकॉर्डिंग चल रहा तो बात नहीं कर सकते, यू कैन, कोई ऐसा इशू नहीं है अपने इधर, है क्या नहीं आयुष? वेरी गुड आयुष. आयुष यू आर फ्रॉम विच कॉलेज? यू आर फ्रॉम डालमिया. ओके फाइन, वेर इट इज? मल्लाड़ा. चलो आगे बढ़ते, टाइम पास था ऐसा ही नहीं. अनमार्क्ड एप्लीकेशन लेते 90,000, यहाँ पे 1.5 लाख और यहाँ पे 60,000. टोटल हो गया 3 लाख, बराबर है? चलिए बैलेंस आ जाएगा कितना है जरा चेक कर लो. यहाँ पे 2,10,000 नेगेटिव, 1,50,000 और इधर 90,000, ये पॉजिटिव है. यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 1.5 लाख. केशव बराबर है यहाँ तक? केशव अब नेगेटिव बैलेंस है शेयर्स में, शेयर्स नेगेटिव हो सकता है?
इल्ले, तो अपने को नेगेटिव का एडजस्ट किसके साथ करना है? ए और सी के साथ, ए एंड सी, मतलब 3:2, समझ में आया? तो यहाँ पे लिखेंगे लेस क्रेडिट ऑफ किसका, ये बी एडजस्टेड, समझ में आया? कितना है क्रेडिट? 1.5 लाख इंटू 3/5, 1.5 लाख इंटू 2/5, तो ये हो जाएगा 90,000 and 60,000, भाई इधर आ जाएगा 90,000, इसको है 60,000, ये 1.5 लाख पॉजिटिव रहेगा और ये माइनस हो जाएगा, इधर कुछ भी नहीं लिखना है, जब भी क्रेडिट एडजस्ट करेंगे टोटल में कुछ नहीं आएगा, माइनस कर दोगे तो अब इधर आपको 2,10,000 में 90 माइनस करेंगे, हाँ 120, ये निल और ये 30,000, 120 प्लस 30 करो कितना आता है, और मैंने आपको क्या बताया आपका नेट लायबिलिटीज कितना आना चाहिए, हो गया नेट लायबिलिटीज का आंसर, समझ में आया? कंप्लीट। बात करते हैं नेक्स्ट सम, पेज नंबर 269, सम नंबर 10, मनन प्रकाशन टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू 3 अंडरराइटर एएसवी, पर्टिकुलर शेयर अंडररिटन मार्क्ड एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशन रिसीव 44,800 shares, compute the final liability of V, unmarked application to be distributed among underwriter in the ratio of gross liability. नहीं बोलता तो भी समझ में आ गया, चलिए फिर सम की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन में शेयर अंडरराइटर दिया गया है, देखो कितना शेयर अंडरराइटर दिया है, 8,000, 16,000, 24,000, जरा इसका टोटल करो कितना आ रहा है, 8 + 16 + 24, मतलब कंपनी को कितने शेयर्स बेचने, इस क्वेश्चन में लिखा नहीं था, लिखा है क्या? नहीं, इस क्वेश्चन में सीधा मेंशन किया है शेयर अंडरराइटर, तो अपन कंफ्यूज होते क्योंकि अंजलि टाइप वाले लोग होते, सर क्वेश्चन में स्टार्ट में दिया रहता है कितने एप्लीकेशन बेचने के है, है ना, बट इधर तो दिया ही नहीं था, आपने अगर ऐसा सोचा रहेगा तो ऐसा है, क्लियर? तो जो शेयर अंडर, हाँ ये उम्र में बेटा इट्स नॉर्मल, ध्यान दे, 8 + 16 + 24 हमने टोटल किया तो कितने शेयर्स बेचने थे, एंड दिस इज ऑल्सो योर जीएलआर, क्योंकि अभी अभी आपको सम बताया था 50,000 शेयर बेचने के, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहता है शेयर अंडरराइटर, तो शेयर अंडररिटन इज इक्विवेलेंट टू योर ग्रॉस लायबिलिटी ऑल्सो, तो कंपनी की ग्रॉस लायबिलिटी है 48,000 शेयर्स की, जिसमें 8, 16 और 24 इनका रेशियो है, ओके चलिए स्टार्ट करेंगे सम की तरफ, तो टोटल एप्लीकेशन कितना बेचना है, 48,000 शेयर बेचना है, देखो जरा एप्लीकेशन आया कितना, 44,000, तो मेरा बैलेंस कितना आएगा, 48,000 कितना, 3,200, ये मेरा बैलेंस आना चाहिए, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन मिलता है उसमें कितने टाइप्स होते हैं, एमए, यूएमए, एएसवी, अंडरराइटर का नाम है, इसमें मार्क्ड एप्लीकेशन दिया हुआ है 6,000, 8,000, 11,000, टोटल हो गया 25,000, तो भाई मार्क्ड एप्लीकेशन में लिख दिया मैंने 25,000, तो 44,800 में ये, तो इधर कितना बच गया 20, लॉजिक क्लियर हो गया, इसे कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जीएलआर, जब फाइंड करेंगे तब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वर्किंग इज डन, खाली फिल इन द ब्लैंक करना स्टार्ट करेंगे, बेसिस में ए एस वी में ए का 8,000, 16,000 और 24,000, टोटल लाइबिलिटीज हो गया 48,000 और जी, अच्छा हाँ नहीं तेरी उम्र हो गई बेटा, हाँ हाँ तूने 48,000 लिया रहेगा ना, उम्र हो गई बोलते उसको, 19,000, दैट्स नॉर्मल, तो भाई 1 जा 2 जा 3 जा जीएलआर निकाला, 3 0 3 0 3 0, 8 1 जा 8 2 जा 8 3 जा, 1 2 3, 19,800 × 1/6, 19,800 × 2/6, 19,800 × 3/6, अर्जुन क्लियर हो रहा है, अर्जुन टोटल निकाल देंगे यहाँ पे 3,300, 6,600, 9,900, क्लियर,
3,300, 6,600, 9,900 ये डन। हाँ सबर अली वही आएगा। मार्क्ड एप्लीकेशन में आपके पास है 8,000 हाँ अरे बाबा इंसान है यार 6,000, 8,000, 11,000 टोटल आ गया 25,000 माइनस कर दो 2,000, 8,000, 13,000, 23,000 अरे ये समझ में आया। अनमार्क्ड एप्लीकेशन 3,300, 6,600 टोटल 19,800 बराबर। चलिए यहां पे आ जाएंगे -1,300, 1,400, 3,100 केशव ध्यान दे बेटा इधर आ जाएंगे आपको 3,200 क्लियर है यहां तक। अब शेयर्स नेगेटिव हो सकता है नहीं नेगेटिव बैलेंस आया है एडजस्ट करेंगे लेस क्रेडिट ऑफ ए एडजस्टेड ए का एडजस्टमेंट एस और वी में होगा एस और वी का रेशियो क्या है समझ में आ गया कितना है 1,300 × 5 520 और 780 बराबर है तो इसको आएगा 520 इसको आएगा 780 इधर नील ही होता है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा बात समझ में आया माइनस कर देंगे तो ये हो गया नील इधर आएगा 520 माइनस कर दो इसमें 2,320 टोटल करके देखो 3,200 आना चाहिए आपका बैलेंस भी 3,200 है समझ में आ रहा है तीन समूह है तीनों सिमिलर थे कुछ भी नया नहीं जो फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर रहा हूं उसमें ऐसे इसके अंदर तीन टाइप है फॉर्म अंडरराइटिंग गिवन फॉर्म अंडरराइटिंग नॉट गिवन मार्क एप्लीकेशन इंक्लूडेड मार्क एप्लीकेशन बट यही फॉर्मेट है फॉर्मेट कुछ भी चेंज नहीं होगा खाली थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स बढ़ते जाएगा नए में जब नया रहता है तो आपको मालूम है कि अपन को सब चीज एडजस्ट कर दे सब अच्छा लगता है धीरे धीरे चेंजेस आते हैं लाइफ में और फिर हम देखते हैं कैसा करना है एडजस्ट करना है कि नहीं करना तो ये टॉपिक के अंदर एडजस्टमेंट नेसेसरी है और इसका एडजस्टमेंट आपको मार्क्स देके जाएगा ठीक है कंप्लीट करो बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ ओके चलो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 270 सम नंबर 11 ऑफ योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन दिया है चैतन्य लिमिटेड 40,000 शेयर्स इशूड इन अंडररिटन बाय तो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है मेरे को वहां पे ठीक है कोई नहीं अपने को इतना समझ में आया कितने शेयर्स बेचने और अंडरराइटर कितने तीन रेशियो दिया हुआ ये रेशियो का मतलब GLR इधर शेयर्स नहीं दिया है इधर GLR दिया हुआ है दिया रिस्पेक्टिवली मतलब ABC ने अंडरराइटर कौन से रेशियो में लिया 5:3:2 में ये मेरा GLR बन गया समझ में आया किसको डिवाइड करने का 40,000 को अनमार्क्ड एप्लीकेशन टोटल टू 2,000 अनमार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल कितना दिया है 2,000 Whereas marked application is as follow. Marked application के बारे में भी दिया हुआ The net liabilities अपने को find करना है. इस question में कुछ तो missing है. क्या? Shares बेचना है मालूम है. Unmarked application मालूम है. Marked application, but क्या नहीं मालूम है? Application कितना आया? ये ही नहीं मालूम है. बात समझ में आ रहा है? चलिए फिर देखते हैं इस question में क्या नया सीखने मिलेगा. सबसे पहला कितने shares बेचने भाई? 40,000 और रेशो क्या है 5:3:2 तो जरा 5:3:2 में ए बी सी को डिवाइड कर देंगे तो 10, 4,000, 4 × 5, 20,000, 12,000, 8,000 ये हो गया तो अब मुझे इतना पता चला एप्लीकेशन बेचना कितना है 40 बट रिसीव कितना हुआ आई डोंट नो ये मालूम नहीं है जब ये मालूम नहीं तो बैलेंस फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है बट मुझे इतना मालूम है कि जो एप्लीकेशन रिसीव्ड होता है इसके दो पार्ट होते हैं एमए यूएमए
मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन दिया है, दिया है ना, कितना दिया है क्वेश्चन में, तो 16,5700 और 8300, 16,000, 5700 टोटल कर लेंगे, 30,000 मार्क्ड एप्लीकेशन है एंड क्वेश्चन में अनमार्क्ड एप्लीकेशन दिया है, दोनों को ऐड करेंगे तो एप्लीकेशन रिसीव्ड मिल गया। 40,000 भेजना था, 32,000 का एप्लीकेशन, तो बैलेंस कितना, तो मेरा आंसर आना चाहिए 8,000। ये ट्विस्ट था खाली, इतना तो समझ में आ ही जाता है। चलिए अब इसको डिवाइड करेंगे ए बी सी में, तो 2000 को कौन से रेशियो में, 532 में डिवाइड कर देंगे, तो 200 मतलब 1000, 200 यानी कि 600 और 400, काम खत्म। अब खाली इधर प्रेजेंट करने का, चलिए स्टार्ट करें। मार्क्ड एप्लीकेशन में कितना आ जाएगा, 16,000, 5700, 8,300, टोटल आ जाएगा 30,000। चलिए बढ़िया है, माइनस कर देंगे इसको, तो यहाँ पे आएगा 4,000, 6,300 माइनस में 300, ये हो जाएगा 10,000। सही जा रहे हैं। अनमार्क्ड एप्लीकेशन 1000, 600, 400, ये आ जाएगा टोटल 2000। ठीक है, चलिए ठीक है। अब ये हो जाएगा आपको 3000, 5700 नेगेटिव 700, शेयर्स नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, क्लियर है। तो अब ये यूट्यूबर वाले का भी असाइनमेंट और आपका भी असाइनमेंट, ये 700 को ए और बी में डिवाइड करना है और नेट लायबिलिटीज फाइंड करना, इतना असाइनमेंट तो सब कर ही सकते हो, क्लियर है। आंसर खाली मैं इधर लिख के दे देता हूँ, आप लोग चेक कर लेना। ए बी और सी में आपको आंसर आना चाहिए, ए का 2562 और बी का 5438 और इसका नील, और टोटल करोगे तो 8000 आएगा। क्लियर है क्या, तो ये आपका असाइनमेंट है। 700 को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है थोड़ा सा सोचना, मैंने ऑलरेडी इसके पहले के सम सम में दिया हुआ है। क्लियर है क्या, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।